हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रिज नहीं तो वोट नहीं। यूं तो चुनाव प्रत्याशियों के विरोध के कई तरीके प्रचलन में हैं, लेकिन आबू रोड के गांधीनगर क्षेत्रवासियों ने प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की अनदेखी करने पर विरोध का नया तरीका इजाद किया है। क्षेत्रवासियों में क्षेत्र की लाइफलाइन कहलाने वाली ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होने से रोष व्याप्त है। जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी समस्याओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, तवज्जो नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है। इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने गांधीनगर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर ब्रिज नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाया है। रेलवे लाइन के दूसरे छोर पर बसे गांधीनगर क्षेत्र में करीब 20,000 की आबादी निवास करती है। शहर और क्षेत्र को जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण करीब 2 वर्षों से अधर झूल में है। रुक रुक कर हो रहे निर्माण कार्य के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिज के अभाव में क्षेत्र के लोगों को करीब 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए शहर जाना पड़ता है। आपात स्थिति में स्थिति और भी विकट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया है। रेल मंत्री, मुख्यमंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इससे आक्रोशित लोगों ने ब्रिज नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर बैनर लगाया है। वादों की ठगी का शिकार गांधीनगर की जनता का उल्लेख करते हुए बैनर में गांधीनगर में सुविधाओं का टोटा, बटन दबेगा नोटा, उम्मीदवार मिला खोटा, जीतने के बाद कोई नहीं लौटा को कोड किया गया है। एक ओर जहां बैनर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशी और पदाधिकारी इस समस्या का समाधान किस तरह से निकालते हैं। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।